जिला ऊना में बढ़ते नशा व ड्रग माफिया के कारोबार को बढ़ाने के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय में ऊना जिले में नशे का कारोबार बढ़ा है। ये आरोप बीजेपी प्रवक्ता राम कुमार शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ड्रग्स माफिया को रोकने में असफल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के द्वारा ड्रग्स माफिया को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हरोली में चिट्टा माफिया आया, नशा माफिया आया, तो मैं पूर्व सरकार में पूर्व उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दोषी मानता हूं, क्योंकि उन्होंने आज तक, ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज तक वो इस तथ्य को स्वीकार ही नहीं किया है कि चिट्टा माफिया इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में फैला है। आज भी वो नहीं मान रहे इस चीज को। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने 6 महीने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन 100% ईमानदारी के साथ हम लगे हुए हैं कि हम चिट्टा माफिया को खत्म करेंगे। 1% भी इनको किसी प्रकार की रियायत, किसी प्रकार का कंसेशन, रिलैक्सेशन ऐसे माफिया को नहीं दी जाएगी। ये हमारी सरकार का ध्येय है। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद जयराम ठाकुर जी ने माफिया के खिलाफ जबरदस्त मुहिम छेड़ी है। माफिया चाहे वो वन माफिया हो, माफिया चाहे वो नशा माफिया हो, तो प्रत्येक माफिया के खिलाफ प्रदेश सरकार बड़ी सख्ती के साथ कदम उठा रही है। और नशा माफिया की अगर बात करें तो 5 साल जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल में रही, इन 5 वर्षों में नशा माफिया ने पूरे प्रदेश में बड़ा कहर बरपाया। हरोली विधानसभा क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा नौजवान इसके शिकार हुए हैं, पूरे ऊना जिला में फैला, और हरोली ऊना से होता हुआ ये नशा माफिया पूरे प्रदेश में फैल गया, पूरा अपना जाल इस नशा माफिया ने फैला लिया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने इस प्रकार के अधिकारी यहां नियुक्त किए और उन अधिकारियों को पूरी स्वतंत्रता मिली कि लगातार 6 महीने में उनके प्रयास से आज नशा माफिया पर एक बड़ा अंकुश लगा है। और चिट्टा जिसका आज से 5-5.5 साल पहले ऊना के लोगों ने, हरोली के लोगों ने नाम तक नहीं सुना था, वो चिट्टा माफिया जिस प्रकार से ऊना के हरोली के बच्चों को खत्म कर रहा था, हम सबसे छिपा हुआ नहीं, हम सब जानते उस चीज तथ्य को। लेकिन आज इन अधिकारियों के की ईमानदारी के चलते, मुख्यमंत्री जयराम की जो कड़ाई उन्होंने नशा माफिया के खिलाफ बरती है, उसका परिणाम यह है कि आज चिट्टा माफिया दबाव में है। तो कारोबारों का हम बिल्कुल धराशायी करने में लगे हुए हैं पूरी सरकार। और अगर हम 6 महीने की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2017 से लेकर 30 जून 2017 तक 10 NDPS के केस पुलिस ने पकड़े थे। तो इन्हीं आज जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तो 6 महीने में, यानी कि 1 जनवरी 2018 से लेकर 30 जून 2018 तक 20 ऐसे NDPS के केस दर्ज किए गए हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग जहां चिट्टा माफिया का धंधा कर रहे थे वो या तो यहां से भाग गए हैं या उन्होंने धंधा बंद कर दिया है। और जिस व्यक्ति ने सबसे पहले हमारे क्षेत्र में चिट्टा का धंधा शुरू किया था, आज वही व्यक्ति सच्ची जब यहां से भाग गया, पंजाब में धंधा करना शुरू किया, तो हम सबको मालूम है कि अखबारों में भी आया था 325 ग्राम चिट्टा उसके पास से पकड़ा गया, और 325 ग्राम सैकड़ों नौजवानों की जान ले सकता है, हम सबको मालूम है। ऐसे ही और भी कई ऐसे जो हमारे क्षेत्र में चिट्टे का कारोबार करने वाले लड़के थे, वो यहां से या तो चले गए हैं या उन्हें धंधा बंद कर दिया है और कईयों को पकड़ा भी गया है।